नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश, आप लोगों के आगे और स्वागत करता हूं आप लोगों का मैं यूपीपीसीएस के लिए इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज का दिन पे ये वीडियो बनती थी बिकॉज आज 6 तारीख से आप लोगों के यूपीपीसीएस के लिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। जिसको नहीं पता उसके लिए इन्फॉर्मेशन है, और बेसिकली जितने भी लोग हैं सिंसियर उनको तो पता ही था। अब परीक्षा जो कि निर्धारित थी 19 अगस्त को, और 6 अगस्त या 8 अगस्त तक तो फॉर्म फिलिंग होगी, तो बहुत उम्मीद थोड़ी सी कम है कि 19 अगस्त को एग्ज़ाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी लखनऊ में जो मैंने भी मेंस दिए हैं 2017 के, तो बोर्ड को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वो 10 दिन में भी रोल नंबर दे के आपसे एग्ज़ाम ले सकता है। तो अपने एग्ज़ाम, पहली बात, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप 19 अगस्त को ही मान के चलिए। एक चीज़, अगर कुछ बदलाव हुए भी तो बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं होगा, क्या पता वो अगस्त के अंत तक ही ले ले, तो अंतर वही है। अब मुद्दा ये आता है कि आप इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें, खासतौर से प्रीलिम्स लेवल पे। जितने लोग सिंसियर होके तैयारी करते हैं उनके लिए प्रीलिम्स बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बिकॉज प्रीलिम्स एलिमिनेशन होता है, प्रीलिम्स किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होता। प्रीलिम्स में से सिर्फ जो कम इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं उनकी छटनी की जाती है। ये फाइनल सिलेक्शन पे कोई तरह से असर नहीं डालता है, लेकिन स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कितना भी आता हो लेकिन एटलीस्ट प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा, तभी आप असली फाइट में जाएंगे। असली पेपर जो होता है वो मेंस होता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, तैयारी हमेशा मेंस की होती है। अगर आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स आपका हर बार निकलेगा, ऑफिस सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये जो रियलिटी है, हार्श रियलिटी है। लेकिन स्टिल अगर अभी बहुत ऐसे लोग हैं, देखिए इसमें 21 से लेकर 40 साल की एज होती है, बहुत ऐसे लोग हैं जो वर्किंग है, जो वर्किंग क्लास में है, पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं, तो अभी ये 2 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं, इनफैक्ट 1.5 महीना। और हमारा दिमाग, जब हम पास में आते हैं तो एफिशिएंसी उसकी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि अगर आपने अभी भी कुछ नहीं किया है तो भी आप एक अच्छा स्कोर करके और प्रीलिम्स की समस्या से निकल सकते हैं। उसके बाद मेंस के लिए आपको कम से कम 4 महीने का तो समय मिल ही जाता है, और इस बार मेंस में भी बदलाव हुआ है जिसके कारण कि आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑप्शनल का भी एक संकट जो था वो थोड़ा कम हो गया है, 2 की जगह 1 ही ऑप्शनल हो गए, तो मैं सब पे चर्चा करूँगा कैसी चीज़ें लेके आगे बढ़नी है। देखिए 2 मेंस देने का अनुभव मुझे भी है, तो थोड़ा बहुत चीज़ें मैंने इसे सीख ली यूपीपीसीएस से। यूपीपीसीएस आपसे कंटिन्यूटी और लेबर मांगता है। अगर आप देखिए, मैं बिल्कुल इंटेलिजेंट आदमी नहीं, मैं बिल्कुल एवरेज आदमी हूँ। अगर एवरेज आदमी भी लेबर के साथ प्रिपरेशन करेगा तो सोल्यूशन श्योर निकालेगा। ये थीम इससे निकल के सामने आ चुकी है। अब हम सब लोग जो कंटिन्यू 8 महीने से प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए कोई इशू नहीं है, उसके लिए वीडियो की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। लेकिन अभी आप रॉ बैठे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं पता है आपको और लगता है कि ये प्रीलिम्स की बाधा कैसे दूर की जाए और मेंस तो मैं निकाल ही लूंगा, तो हमें एक चीज माननी पड़ेगी, अपनी क्षमताओं पे भरोसा। दूसरी बात कि हम सुपरमैन भी नहीं है। मैंने ये विषय लिखे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर्स, जिसमें से जिसको अगर हम ब्रेकअप करें पेपर को, तो इन हिस्सों में पेपर बंटता है। सबके सारे पोर्शन एक बराबर मजबूत नहीं होते हैं, ये रियलिटी है, चाहे कोई भी हो। और बहुत ही टैलेंटेड लोग होते हैं वो, जिनके सभी सेक्शन इक्वली उनके तैयार होते हैं। तो अगर आप मेरी अगर माने, जो मैं स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ, तो कुछ विषय पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए जहाँ से कि क्वेश्चन लीक ना हो। और अगर आप सारे विषय में पकड़ अच्छी नहीं है, कुछ विषय में भी है, तो आप थ्रू हो जाएंगे। अब मैं आपको इस 2017 का जो पेपर हुआ था पहले का, उसका बताऊं आपको। 97 क्वेश्चन के आसपास पे कट ऑफ गई थी, 150 क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और उसके बाद भी 97 क्वेश्चन, मतलब जिसने 97 या उससे अधिक क्वेश्चन सही किए थे वो सिलेक्शन किया गया था प्रीलिम्स का, 128 मार्क्स के आसपास। तो अभी क्या होगा, और मैं बताऊं आपको, पेपर अच्छा था लेकिन 97 क्वेश्चन आप कर सकते थे, और जो बहुत अच्छे लोग थे जो 1-2 मार्क्स से रह गए थे। अब आपको मान लीजिए आज की डेट में बिल्कुल 0 है, तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, आप यूपीपीसीएस ही यूपीएससी की तरह करंट बेस्ड हो गया है। अगर आपने करंट अफेयर नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी आपको सब्जेक्ट की नॉलेज हो, कितने भी एकेडमिक आपका अच्छा हो। एक बात तो आपको ये टॉपिक तो पकड़ना ही पड़ेगा, करंट अफेयर का ये टॉपिक तो पकड़ना ही पड़ेगा। मैं यूपी स्पेशल भी डालता हूँ, जैसे यूपी स्पेशल जैसी चीज कुछ बहुत कम रह गई है। यूपी स्पेशल से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, और 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं जिसको आप करंट अफेयर से मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं तो यूपी स्पेशल के 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, उसमें मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन
कैसे आते हैं, खास तौर से वो सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ हमारे कल्चर से रिलेटेड आ जाते हैं, दैट्स ऑल। बजट से क्वेश्चन जरूर आता है हर बार, यूपी के बजट से क्वेश्चन। तो अब अगर हम देखें कि हमें किन किन सेक्शन पे अगर पकड़ बना ले तो हमारी गाड़ी पार हो जाएगी। यूपी पीसीएस निकालने के लिए आपको साइंस टेक्नोलॉजी करंट अफेयर करना ही पड़ेगा। पिछली बार भी 30 और अगर इकोनॉमिक्स वाले करंट अफेयर भी जोड़ लिया जाए तो करीब 35 क्वेश्चंस करंट अफेयर से आए ही थे। इस बार संख्या बढ़ेगी घटेगी नहीं, ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी क्या रखूंगा, कम से कम 4 विषय में पकड़ बनानी पड़ेगी इसमें। अगर आप एक करंट अफेयर्स, दूसरा साइंस टेक्नोलॉजी, और इकोनॉमिक्स में भी करंट के ही बोलबाला ज्यादा रहता है, उसके बाद ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये 4 विषय आप देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये लगा लीजिए आप 100 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। हिस्ट्री आपको मैं मानता हूं, हिस्ट्री देखिए ह्यूमैनिटीज की माँ होती है, जीएस की माँ है वो, बिकॉज इतना विस्तृत है, हर जगह इसका विंस होता है। लेकिन प्रीलिम्स में अगर आप किस कम समय में पूरी हिस्ट्री अगर अच्छे से नहीं कर पाए, आप मॉडर्न इंडिया कर लीजिए, ठीक है। मॉडर्न इंडिया में भी ऐसे बांटिए, एक कांग्रेस करिए अलग से, एक गांधी नेहरा करिए, गांधी युग करिए, ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट वायसराय के फंक्शंस कर लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, काम आपका हो जाएगा। कुछ स्वतंत्रता सेनानी कर लीजिए, प्राचीन भारत पकड़ लीजिए, मध्यकालीन चाहे तो छोड़ दीजिए। प्राचीन भारत में आप सिंधु, मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ताज, पोस्ट गुप्ताज, और धर्म उसमें जैन और बौद्ध, बस और कुछ मत करिए, खत्म कर सकते हैं। इतना भी अगर आप हिस्ट्री में करते हैं तो आप हिस्ट्री के 60% क्वेश्चन निकाल देंगे। एक बात, अब जैसे कि इस बार हम मान रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, मतलब एक क्वेश्चन सही होने पे 1 नंबर मिलेगा और घटने पे, गलत होने पे 0.33 अंक कटेंगे, है ना। तो इसका मेरिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज इसमें काफी बच्चे शामिल होते हैं, 40 साल तक की एज के लोग शामिल होते हैं, और वो सब लोग एक पैटर्न पे है, तो एकदम से मोल्ड करने में थोड़ी सी सिचुएशन खराब होगी। और इसका फायदा जो सिंसियर स्टूडेंट है बिल्कुल मिलेगा। मेरी वीडियो बहुत दिनों से ड्यू है आने के लिए कि कैसे हमको नेगेटिव मार्किंग को से बेनिफिट लेना चाहिए, द तुक्का कोड, है ना, कैसे आपको चीट कोड डेवलप करके कुछ क्वेश्चन तो आप वहां भी सही कर सकते हैं। तो ये 0.33 मार्क्स के कारण आपको करंट अफेयर्स, सॉरी, आपको जो फाइनल मेरिट है प्रीलिम्स की उसमें डेप्रिसिएशन तो श्योर देखने को मिलेगा। और अगर मैं मानूं कि 2017 की तरह ही परीक्षा का अगर लेवल रहता है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो इस मेरिट को आप 90+ पे अगर आप देखेंगे सिलेक्शन मिलता नहीं जाएगा आपको। मतलब आप 150 में से अगर 90 क्वेश्चन सही करते हैं, मतलब 60-65% अगर पेपर आप अच्छे से करके जाते हैं तो आप सिलेक्शन जोन में हैं। इट मींस क्या, हमारी स्ट्रेटेजी पूरी तरह काम आ सकती है। पॉलिटी और ज्योग्राफी, इसमें फैक्चुअल चीजें बहुत होती है, ज्योग्राफी में मैक्सिमम फैक्चुअल पूछता है वो, एप्लीकेशन बहुत कम पूछता है, आप रट के याद कर सकते हैं नेशनल पार्क ये वो। पॉलिटी बेस्ट है, पॉलिटी कुछ भी नहीं आती तो मेरी वीडियो से भी बाहर नहीं आएगी पॉलिटी, देख सकते हैं 57 वीडियो। उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आज से ही डेली बेसिस पे करना शुरू कर दीजिए, पीछे से करिए, मतलब अभी जून का करिए, अप्रैल का करिए, मई का करिए, इस तरह से करते करते लास्ट ईयर के अक्टूबर तक कर लीजिए। लेकिन ये बता दूं कि अगस्त में परीक्षा हो रही है तो जनवरी से जुलाई तक का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 25+ क्वेश्चन इन्हीं समय में आ जाएंगे, और बाकी के 2-3 महीनों में इक्के दुक्के करंट आएंगे, ये रियलिटी है। करंट अफेयर्स में आपको गवर्नमेंट स्कीम्स एक भी नहीं छोड़नी, बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में भी है, यहाँ भी है, सेंटर की स्कीम डोमिनेट करेगी, श्योर श्योर डोमिनेट करेगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो कोई बताएगा नहीं, आपको खुद से समझनी पड़ती हैं, क्वेश्चंस गैस करते हैं लोग। बजट से योगी गवर्नमेंट की एक साल की जो भी अचीवमेंट है, इलेक्शन ईयर है भाई, सारी स्कीम्स आएंगी, इसीलिए करंट अफेयर ज़्यादा इस बार डोमिनेट करेगा। तो अगर आप टारगेट लेके चलते हैं 110 क्वेश्चन तक के लिए भी, तो आप इजीली 90+ पर रुकेंगे और सिलेक्शन लेके निकल जाएंगे, बहुत फाइट नहीं है। तो अगर आपका कोई वीक जोन है, ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है जो मैंने बताया, आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। अगर लेकिन आप लोगों की क्या पता किसी की हिस्ट्री बहुत अच्छी हो, किसी की ज्योग्राफी कम हो, तो हिस्ट्री को बेस बनाए, मतलब अगर आप इन 6-7 सब्जेक्टों में से भी अगर 4 पे कमांड बनाते हैं, यू विल बी थ्रू, और बहुत अच्छे मेरिट के साथ थ्रू हो जाएंगे आप, और क्लियर कट मामला हो जाएगा। देखिए टॉपर्स भी कई कई प्रीलिम्स को बॉर्डर से पास करते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। टीना डाबी का केस पता है आपको, टीना डाबी सिर्फ 1 मार्क्स से प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाई थी आगे जाके, और उन्होंने मेन से टॉप किया था। तो प्रीलिम्स कोई वजूद नहीं रखता, लेकिन स्टिल हमें अगले स्तर पे ले जाने के लिए वो बहुत बड़ा कारक है। अगर हमारा वो सही नहीं होगा तो शायद हम नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। इसके बाद मेरी जो पीसीएससी क्लासेस चल रही हैं, आप आपके पास वो भी ऑप्शन है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि ऑलरेडी अभी 25-30 के करीब वीडियोस बन चुकी हैं और शानदार तैयारी हो रही है। अब इनको किस तरह से फिनिश किया जाए, किस इस कम टाइम में क्या क्या पढ़ा जाए, क्या क्या नहीं पढ़ा जाए। करंट अफेयर्स के लिए घटना चक्र की करंट अफेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, घटना चक्र की करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर सकते हैं। या क्रॉनिकल भी आती है, क्रॉनिकल बहुत अच्छी बुक है। अभी घटना चक्र की बुक्स आई है जनवरी से लेकर मई जून तक की, पूरी जितनी भी करंट अफेयर है प्लीज़ कर डालिए उसको, और जितनी स्कीम्स है उसको अच्छी डिटेल में पढ़िए, इंडेक्स पढ़िए, है ना। अभी देखिए कॉमनवेल्थ और फीफा, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, कोई रोकने वाला नहीं है। जितने बड़े इवेंट हैं वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद साइंस टेक से, साइंस टेक के लिए देखिए जो नई बुक है इंग्लिश मीडियम की और हिंदी मीडियम में भी, घटना चक्र की प्रीवियस ईयर, बहुत शानदार है वो, उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, वो कर सकते हैं। साइंस टेक में मैं एनवायरमेंट भी बोल रहा हूँ, एनवायरमेंट उसमें इंक्लूडेड है ना। एनवायरमेंट को आपको अलग विषय की तरह पढ़ना होगा, एनवायरमेंट की बहुत अच्छी बुक आती है इस समय, घटना चक्र की इंग्लिश मीडियम में बड़ी शानदार किताब है, अगर आप वो कर लेते हैं तो हो जाएगा ठीक। वैसे मेरी इस चैनल पर 18 वीडियो होंगी एनवायरमेंट की, जो कि आपको एनवायरमेंट लगभग कंप्लीट करा देंगी, सिर्फ प्रैक्टिस रह जाएगी आपकी। इकोनॉमिक्स, अभी रमेश सिंह पढ़ने का टाइम नहीं है, अभी रमेश सिंह पढ़ने का टाइम नहीं है। आप करंट अफेयर करते हैं तो 40% इकोनॉमिक्स आपकी हो जाएगी, 60% इकोनॉमिक्स के लिए आप परीक्षा वाणिज्य इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, या घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर इकोनॉमिक्स है वो ले सकते हैं, वहां से सीधे क्वेश्चन उठ जाता है। आज भी नो डाउट यूपीपीएससी ने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया है, आज भी वो लोग फैक्ट पूछते हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए देखिए महेश बरनवाल, बहुत अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी, महेश बरनवाल से थोड़ा ज्यादा मैटर होता है माजिद हुसैन में, है ना। और एक किताब है परीक्षा वाणी की भारतीय भूगोल, परीक्षा वाणी की भारतीय भूगोल बहुत शानदार किताब है, कंसाइज है बहुत। इस समय आप वो चीजें पढ़िए जो आप फिनिश कर पाए, बिकॉज आपको एक बार पढ़ने में चीजें क्लियर नहीं होंगी, आपको 2-3 बार पढ़नी पड़ेंगी। तो अगर एक बार फिनिश करना चाहते हैं तो परीक्षा वाणी बहुत शानदार किताब है, और उसमें इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट कीजिएगा, बिकॉज वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर लास्ट में आपका रह भी जाएगा तो आप सिर्फ फैक्चुअल चीजें पढ़ लेंगे तो ही वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी क्लियर हो जाएगी, इतनी फाइट नहीं है। कंसेप्ट और अच्छे क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से ही आएंगे, सेंसस से आएंगे, सेंसस जरूर करिएगा, बिकॉज यूपी स्पेशल में भी सेंसस जरूर आता है। इसके बाद पॉलिटी, जैसे मैंने बताया पॉलिटी मेरे वीडियो से बाहर नहीं आएगा, पॉलिटी के लिए भी एम लक्ष्मीकांत शानदार किताब, नो सब्स्टिट्यूट, अगर समय नहीं है तो परीक्षा वाणी, नो सब्स्टिट्यूट, ठीक है। भारत की राज व्यवस्था अच्छी किताब है, ठीक है, अच्छी किताब है। और मैं अभी भी आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरा पीसीएस का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर लीजिए, फिर उसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरी, 7678668827 पे आप लोग व्हाट्सअप करके और फॉर्मेलिटीज करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां की ऑलरेडी 20% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो अब बात आती है कि आगे के लिए ऑप्शन के लिए क्या सोच होनी चाहिए, इस पेपर के बाद क्या अप्रोच होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि प्रीलिम्स आप लोग निकालेंगे ही, इस बार इतनी सारी पोस्टें हैं और इस बार 831 पोस्टें हैं, मतलब आगे बढ़ते बढ़ते 1000 प्लस जाएगी वैकेंसी, एसडीएम और डीएसपी कितनी सारी पोस्ट है। अगर आपने अभी तक ऑप्शनल अपना नहीं पढ़ा है और ये भी कंफ्यूजन है कि ऑप्शनल क्या रखें, तो आंख बंद करके सोशल वर्क या डिफेंस में से कुछ भी रख लेना, बिकॉज ये तो सबसे छोटे और बहुत मार्क्स फेच करने वाले ये सब्जेक्ट है, और 2-2.5 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं। असली क्वालिटी की यही है, ठीक है, असली क्वालिटी क्या इनकी ये है कि बहुत कम समय में तैयार हो जाते हैं। जस्ट सजेशन है, मेरा तो हिस्ट्री है लेकिन इस बार मैं हिस्ट्री छोड़ूंगा, बिकॉज हिस्ट्री में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। हिस्ट्री का फायदा ये होता है कि हिस्ट्री में आपको ना रटी रटाई चीज़ें मिल जाती है, लेकिन कम समय में अगर तीर मारना हो तो डिफेंस बहुत अच्छा है, लोगों के सिलेक्शन निकले हैं यहाँ से, है ना। अगर अभी आप खाली बैठे हैं कि मैं मुझे तो कुछ नहीं आता है, तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए है। और जितने लोग कई परीक्षाएं दे चुके हैं उनको कोई किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को जो भी क्वेरी हो वो मुझे बता सकते हैं। फाइनली मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो क्वेश्चन का ब्रेकअप आपको ऐसे रहेगा, इतने क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, नेगेटिव मार्किंग के साथ 90+ अगर आप सही करते हैं तो सिलेक्शन गोल में जाएंगे। टारगेट लेके चलना है हमको 150 में से 110 से 112 क्वेश्चन का, और अगर आपने इन स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया तो आप सिलेक्शन गोल में जाएंगे। और अब इसके साथ यूपीपीसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। थैंक यू।